नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के बहरे थाना क्षेत्र में। एक भावपाली जगह है और वहां पे एक सरपंच है और सरपंच जो न्याय का काम करते हैं आज उन्हीं के साथ इस तरह का मारपीट की घटना आया हुआ है और इनके जमीन पे जबरन कोई कब्जा करने का प्रावधान उठा रहा है। आइए मामला जानते हैं पूरा सामने क्या है। जैसे इन्होंने सभा में श्रीमान पुलिस अध्यक्ष महोदय के साथ मीटिंग किया, बैठक किया और उनको आवेदन दिया। आपको बता दें कि बहड़िया थाना कांड संख्या 110_2023 के अभियुक्त द्वारा दुगंता के बल पे मेरे जमीन पर कब्जा करना तथा मना करने पर मारपीट घायल करने के संबंध में इन्होंने आवेदन दे चुके हैं थाना प्रभारी को। यानी कि पूरा घटना क्या है, किस तरह का मामला है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आप सरपंच है ना भावपाली में, पंचायत कौन सा है? भामोपाली पंचायत है जी। मेरा नाम बिरगुनाथ शाह है जी। मैं प्रेजेंट में सरपंच हूँ जी। मेरा जमीन का मामला है जी। मेरा सरसों का बोए थे, वो जबरन काटा गया। हाँ। गेहूँ भी काटा गया। हाँ। मैं सरसों गेहूँ बोए थे जी। तो कौन, किसने काट लिया आपकी जमीन? जमीन आपका था जी? कितना जमीन था? 7 कट्ठा जमीन है। 7 कट्ठा जमीन है। कौन लोग आपका, कौन कौन जमीन आपके साथ? हाँ। जमीन फसल कौन, किसने काटा है? फसल स्वामीनाथ सिंह। हाँ। और लाल बाबू सिंह। हाँ। वो कौन, दोनों आदमी कौन है? वो उनके रिलेशन के है। हाँ। अलग है। हाँ। भाई स्वामीनाथ सिंह। हाँ। कहते हैं मेरा जमीन है। हाँ। लेकिन मेरा जमीन, मेरा जमाबंदी भी सब चलता है। हाँ। प्रोजेक्ट में सब कुछ है, मेरा कागज सब ओके है। हाँ। मैं बहुत पहले से भी मेरा जमीन जोत आबाद और फसल लगाते हैं। आप लगाते हैं जी? जमीन आपका है जी। लेकिन जबरन वो बोल रहा है जमीन उनका है, जबरन काट। हाँ। काटने के संबंध में आपके साथ मारपीट भी किया गया है? हाँ, मारपीट किया गया गया है। हाँ। और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हाँ। और हो सकता है कि हमारे परिवार को भी जान के मारने की भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो आपके परिवार को जान का खतरा भी है जी? जान के खतरा। कौन कौन धमकी दे रहा है? स्वामीनाथ सिंह, लाल बाबू सिंह, प्रभु सिंह, हृदय सिंह, मनोज सिंह। हाँ। इस मामले में आप गए थाना के पास, थाना प्रभारी ने क्या कहा आपसे? उन्होंने आवेदन स्वीकार किया आपका? मैंने 110 केस नंबर चला गया है। हाँ। उसमें बेल करा कर भी। हाँ। हमारे को धमकी दिया गया। अच्छा, केस भी कर दिए हैं, FIR भी कर चुके हैं? FIR हो चुका है। लो, बेल भी करा लिए? लो, करा लिए। फिर बात आपको ऐसे ऐसे जान मारने की धमकी। हाँ। उन लोग देखिए, सरपंच साहब हैं तो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये गाँव ही टाइप के रहे हैं और कहने का इनको थोड़ा सा अंदर से उभय हो गया है। लेकिन आवेदन में दिए हैं, आवेदन में साफ तौर पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि आपको बता दें, मैं आपको अपने माध्यम से बता रहा हूँ कि सन्नी निर्णय के पूर्व कहना है कि बिघनाथ शाह, उम्र 57 वर्ष, पिता स्वर्गीय शिवधारी शाह, ग्राम भावपाली थाना बड़िया जिला सिवान के एक कमजोर वर्ग का व्यक्ति हैं तथा वर्तमान में पंचायत राज भावपाली का निर्वाचित सरपंच है ना, और आपने मामला दिया है, थाने में दे चुके हैं। एक मामला ये है भूमि, जिसका खाता संख्या, खाता नंबर 44 है, सर्वे नंबर 2091 है, रकबा 00_07_07 है ना, पर लगी है। SP साहब को आवेदन दे चुके हैं जी। थाना पर अभी डिस्पैच नंबर चला गया है। हाँ। अभी थाना प्रभारी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। अभी पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं थाना प्रभारी, एकदम चुपचाप चुपी साधे हुए हैं। हम लोग की जान के खतरा है, हम लोग सहमे हुए हैं, हमारे परिवार भी सहमे हुए हैं। अच्छा अच्छा, हो सकता है कि मेरा जान चला जाए। चला जाए, आपका जान का खतरा है जी? देखिए, इनके आंखों में आंसू आ गया है, डर भय बना हुआ है। और इस आपका विश्वासी आप है ना, बिघनाथ शाह जी? बिघनाथ शाह और ये आपके स्वर्गीय शिवधारी जी के लड़के हैं आप जी। तो आप थाना से और क्या मांग करेंगे, जिला प्रशासन क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा और हमको बचाया जाए, सुरक्षा में रखा जाए। आपने यहाँ पे आवेदन में दिया है मेरा जमीन भी सुरक्षा कराया जाए। 35 बोझा था और सरसों का 10 बोझा था जी, उठाकर ट्रैक्टर नंबर अभी दर्ज किए, ट्रैक्टर नंबर भी इसमें है। ट्रैक्टर का मालिक कौन है? BR 29GA 7169 पर लादने लगे था, वो लोग उठाकर लेकर चले। कौन ट्रैक्टर के मालिक कौन है? मामले में स्थानीय थाना की लापरवाही आप मानते हैं जी? लापरवाही, एकदम बिल्कुल लापरवाही है। आपको लगता है कि जो आपके विपक्षी हैं उनके साथ उनका कोई मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है। इसको लेकर के आपने, आइए इनके पुत्र सामने हैं, इनसे बात करते हैं। आइए, पुत्र भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, पुत्र भी आए हुए हैं।
पुत्र से हम बात की, बैठिए कोई बात नहीं। हाँ जी, पूरा मामला क्या है, आपके कौन ये हैं? मेरे पिताजी हैं। आपका नाम क्या हुआ? कमाख्या नारायण हुआ। जी आपके पिताजी का नाम क्या है? रघुनाथ सर। जी बताया जाए। मेरा भामापाली घर है जी, मैं भामापाली बाजार पर एक मेडिकल की दुकान है, उसमें हम मेडिकल चलाते हैं। हाँ। वहाँ भय बना रहता है। हाँ। कभी भी हम लोग को जान से मारने की धमकी हमको मेडिकल पर आकर देते हैं। प्रभु सिंह, हृदया सिंह, लाल बाबू सिंह, स्वामीनाथ सिंह, प्रमोद सिंह जी, सभी मिलकर हमको जान से मारने की हमेशा धमकी देते हैं। थाना में आवेदन दिए, थाना कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद से हम SP को दिए, DM को दिए और अंचला अधिकारी को दिए, तो अंचला अधिकारी बोले कि जाइए थाना से संपर्क कीजिए, बताइए। CO साहब को दिए थे? जी जी, CO साहब भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं किए। हाँ। वो बोला कि जाइए थाना से कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जमीन का मामला जी, जमीन का मामला जो है वो CO का होता है, CO उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आवेदन मेरे पास अभी है, हम दिए हैं उनके पास, उसके बाद हमेशा वो खेत में। अच्छा एक बताइए बात, जमीन आपका है जी, आप जमीन में जाकर आप ही लोग गए थे? 1953 से मेरे घर में। हाँ। बख्शीश। कब से ये लोग मतलब ये जो जमीन मामला है इसी बार हुआ है? सरसों बोए थे जी, और सरसों और गेहूं बोए, गेहूं बोए थे। अच्छा ये जो लोग आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं? ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो लोग कभी कोहाली जेल जा चुके हैं, उस वहाँ के रंगदार हैं, हमेशा उन लोग से डर बना रह रहा है, पूरे गांव के लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो जबरन आपका जमीन जबरदस्ती किया जा रहा है? कब्जा कर लिए हैं। अच्छा आप लोग FIR भी कर चुके हैं? FIR भी हम कर चुके। दिखाइए FIR, दिखाइए। देखिए इस मामले में FIR दर्ज भी हो चुका है, तो हमारे मीडिया के सामने से कोई आपत्ति नहीं होगी चलाने में। तो देख सकते हैं कि प्राथमिक FIR हुआ है, और यहाँ पे सिवान सदर, जिला सिवान, सिवान सदर अनुमंडल है, थाना बड़िया है, वर्ष 2023 से प्राथमिक 110/23 है ना। तो कहने का मतलब आप जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जिला प्रशासन से यही मांग करेंगे कि मेरा जमीन है। हाँ। उसको मेरे कागज देकर मेरे को दिया जाए और मेरे परिवार को पूरा रक्षा किया जाए। मतलब वे लोग दबंग लोग हैं जी, दबंग लैंग्वेज। हीरा मौसी तो भी कौन है? मेरी माँ है। अच्छा उन्होंने भी आवेदन दिया है? FIR की है, वही किया है। हम लोग घर पर नहीं थे। FIR आपकी माता जी ने की है और आवेदन आपकी पिताजी ने दिया था? ना ना। चलिए नाम बता दीजिए अपना। कमाख्या नारायण। ठीक है।